साथ दीपक भदौरिया। चित्रकूट से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का प्रत्याशी राजन मेघराम ने जीत हासिल कर ली है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मण यादव को 18,000 के करीब वोटों से शिकस्त दी है। इससे पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चित्रकूट से जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें कि यहां पर जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्याशी राजमन बेंजाम बढ़त बनाए हुए थे, उसके बाद ये बड़ी जीत कांग्रेस के राजमन बेंजाम ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें यहां पर खुशी का माहौल दंतेवाड़ा के बाद। अब जिस तरह से चित्रकूट में कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन यहां पर भी निराशा ही हाथ लगी। सोनिया गांधी जिंदाबाद। और आपको बता दें इस वक्त अच्छी बड़ी खबर चित्रकूट से, जहां पर राजमन बेंजाम ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें 17 राउंड हुए थे जिसमें उन्होंने जीत दर्ज की है। एक बार आपको आशुतोष हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं चित्रकूट से। आशुतोष, अगर बात करें यहाँ पर लगातार उन्होंने स्टार्टिंग से, अगर पहले राउंड की बात करें तो पहले राउंड से उन्होंने बढ़त बनाकर रखी हुई थी और आखिरकार जीत दर्ज कर ली, यानी कि कहा जा सकता है कांग्रेस की मेहनत, कांग्रेस की नीतियां जो है वो रंग लाई और बीजेपी जो 15 साल के विकास के एक एजेंडे पर लड़ रही थी, शिकस्त ही मिली। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो 10 महीने का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, ये कहीं ना कहीं सफलता दिलाया है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरीके से यहाँ पर काउंटिंग चल रही थी और प्रथम जो चरण था काउंटिंग का, उसमें ही जो कांग्रेस थी वो लीड कर रही थी। उसके बाद आखिरी 17 राउंड के भी यहाँ पर मतगणना हो चुके हैं और 17 राउंड में जो राजमन बेंजाम है 17,853 वोट से लगभग जीत तय हो गई है, जीत सुनिश्चित है उनकी, क्योंकि अभी बचा हुआ जो वीवीपैट डाक मत पत्र का जो गणना अभी आनी बाकी है उसको, वो आता है तो जीत इनकी तय हो चुकी है, लेकिन डाक मत पत्र का अभी ब्यौरा आना बाकी है। लेकिन उत्साह की अगर बात करें तो कांग्रेस बिल्कुल देख सकते हैं कि यहाँ से 200 मीटर बाद जो रूरल कांग्रेसी काफी कार्यकर्ता वहां पर मौजूद हैं और नारा लगा रहे हैं सोनिया गांधी जिंदाबाद, राजमन बेंजाम जिंदाबाद। तो बिल्कुल ये तय किया जा सकता है कि जो 10 महीने का कार्यकाल रहा कांग्रेस का, यही जो रंग लाया है और राजमन बेंजाम को भारी मतों से यहाँ पर विजयी बनाया है। यहाँ पर जो कांग्रेस के नेता है वो पहुंच रहे हैं, दीपक बैज जो बस्तर के सांसद है वो पहुंचे हुए हैं, मोहन मरकाम जो पीसीसी अध्यक्ष कांग्रेस के वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर, और काफी उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल जुलूस निकालने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और जोरों शोरों पर यहाँ पर खुशी का माहौल दिख रहा है। और बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जो कांग्रेस ने जो दावा किया था कि बस्तर से बीजेपी मुक्त करेंगे, तो काफी समय के बाद ये ऐसा हुआ है छत्तीसगढ़ के बस्तर में कि बीजेपी मुक्त हो गई है। यहाँ पर विपक्ष में यहाँ बैठने के लिए कोई नहीं है। कांग्रेस बीजेपी के पास एक मौका था कि चित्रकूट विधानसभा में जो सीट है उसको बचा के रखी जा सके, लेकिन एड़ी चोटी के जोर लगाने के बाद भी बीजेपी सफल नहीं हो पाई। जनता का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला है और यही वजह है कि चित्रकूट विधानसभा में भी कांग्रेस ने परचम लहराया है और इसी जीत के साथ काफी उत्साह और यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। शाम को ये अंदाजा लगाया जाता है कि जुलूस निकालने की भी तैयारी कांग्रेस काफी पूरी कर चुकी है। जी बिल्कुल आशुतोष, पहले की बात करें तो 11,000 वोटों के तकरीबन का अंतर था 2018 में, लेकिन इस बार करीब करीब ये अंतर 17,000 तक पहुंच गया। जहां 10 महीने का कार्यकाल जिस तरीके से बीजेपी साधने की कोशिश कर रही थी, कांग्रेस को बार बार हमलावर थी कि कांग्रेस की सरकार में काम नहीं हो रहा है, जनता को ठगा जा रहा है, लेकिन एक बार दो उपचुनाव जीतकर एक करारा जवाब दिया है बीजेपी को, शायद ये कम शब्दों में कहें तो मुंह बंद कर दिया है बीजेपी का। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि मुंह बंद कर दिया है बीजेपी का। जहां बीजेपी लगातार दावा कर रही थी कि जनता
इनके 10 महीने के कार्यकाल में काफी परेशान है, नाखुश है। लेकिन वहीं दो उपचुनाव दंतेवाड़ा में पहला परिणाम जो आया कांग्रेस के पक्ष में, उसके बाद से ये दूसरा परिणाम जो देखने को मिल रहा है कांग्रेस के पक्ष में। चित्रकूट विधानसभा में भी भारी मतों से जीत की विजयी यहाँ पर हुई है राजन बेंजाम की, लगभग 18,000 के पार वोटों से प्रचंड बहुमत से यहाँ पर जीत हासिल की उन्होंने। तो बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि जनता का आशीर्वाद रहा है कांग्रेस के ऊपर, और 10 महीने के जो कार्यकाल रहे हैं कांग्रेस के उससे बिल्कुल प्रभावित यहाँ पर हुए हैं। जमीन वापसी की बात की जाए, कर्ज माफी की बात की जाए, तो इससे बिल्कुल यहाँ पर ग्रामीण जो है वो प्रभावित हुए हैं, यहाँ के जो वोटर्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के पक्ष में इतना बड़ा जनाधार उमड़ के सामने आया है और 18,000 लगभग वोटों से यहाँ पर कांग्रेस विजयी हुई है। चित्रकूट विधानसभा यहाँ पर जीत हासिल की है और भाजपा मुक्त बस्तर यहाँ पर जैसे कह रहे थे वैसा करके दिखाया कांग्रेस ने। बिल्कुल जी, चलिए तमाम जानकारी के आपका शुक्रिया आशुतोष। और कानपुर से एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें इस वक्त की